और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में पिछले साल गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजीव सिंह को जमानत मिल गई है। बीती रात जैसे ही वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम ने उन्हें घेर लिया। इस वजह से संजीव सिंह को कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील भी करनी पड़ी। निकलकर संजय सिंह सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनकी पत्नी से मुलाकात की। वहां से वो पार्टी दफ्तर गए जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी दफ्तर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बीजेपी पर जमकर बरसे। संजय सिंह ने दो टूक कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जल्द ही बाहर निकलेंगे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जश्न सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। हमारे नेता 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें करो। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, उनके लड़ेंगे। हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। सशर्त शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है, केस चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। ऐसे में संजय सिंह ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सीएम आवास पर मुलाकात की। संजय सिंह ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। करीब 10 मिनट की मुलाकात के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए रवाना हो गए। वो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने सिसोदिया की पत्नी के पैर छुए और जेल में बंद मनीष सिसोदिया के बारे में बात। और संजय सिंह के जेल से छूटने पर उनकी पत्नी ने खुशी तो जताई, मगर यह भी साफ किया कि जब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन रिहा नहीं होते तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगी? पहला रिएक्शन, 6 महीने बाद घर पहुंचे हैं, आपने ये पूरा 6 महीने का क्या फर्क देखते हैं तब में और अब में? नहीं, 6 महीने में जैसे संजय जी नहीं थे तो घर में थोड़ा सा था, लेकिन जैसे वो बाहर आए, पहले वो बड़े भाई जो अरविंद जी है, जो पूरा दायित्व तो उन्होंने हम लोग के लिए संभाला, तो पहले हम सुनीता भाभी से मिले, फिर इसके बाद वो पार्टी ऑफिस गए। जो कार्यकर्ता निराश थे उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया उन्होंने, भाषण सबने सुना और कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा हुई। फिर हम सीमा भाभी से मिलने गए, उनका भी हाल चाल लिए और इसके बाद हम अपने घर पर आए। घर पे भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जो कि एक उम्मीद जगी है कि हमारे एक बहुत बड़े मतलब एक लीडर आ गया है जो कि हम लोग को गाइड कर सकता है। अब किस तरह से 6 महीने बाद आए हैं, तो किस तरह से उनका आप स्वागत करेंगे, क्योंकि परिवार में सब लोग हैं, एक लंबा टाइम जेल में उन्होंने बिताया। नहीं, स्वागत नहीं, बस एक जैसे स्वागत का समय नहीं है। और जब तक हमारे 3 भाई हैं अभी जेल में हैं, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जी, जब तक वो बात बाहर नहीं आते तो कोई मतलब स्वागत नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो संजय सिंह के जेल जाने के बाद अपने बाल और दाढ़ी ना कटवाने की कसम खाने वाले उनके साथी अजीत सिंह भी अब अपनी कसम तोड़ने को तैयार हो गए हैं, राजी हो गए हैं। आपकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, दाढ़ी नहीं कटवाई जिस दिन से वो अरेस्ट हुए, क्या सही है? सही है, मतलब हमने सोचा कि जिस तरीके से उनको सताया जा रहा है एक बेगुनाह को जेल में डालकर, तो हमने सोचा जो वो महसूस कर रहे हैं वो हम भी महसूस कर रहे हैं। ना मैंने कभी दाढ़ी रखी है, ना कभी बड़े बाल रखे, तो मैंने भी सोचा कि एक जेल उनके लिए, एक जेल मेरे लिए, तो बराबर सा हो जाएगा। एक प्राण उसी दिन ले लिया था जब पहले दिन अरेस्ट किया था। कितनी मुश्किल आपको हुई और ये पूरा सफ़र कैसे रहा, क्योंकि हम देखते थे कि जब भी कोर्ट का आना जाना हो या तमाम जो सारी चीज़ें हैं उसमें भी आप बाद में दिखाई देते थे। मुश्किलें तो हैं, अब
संजय भैया बाहर रहते हैं तो हजारों लोगों के काम कर पाते हैं। अब जब लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई ये काम कराना वो काम कराना, फिर भी हम कोशिश करते हैं काम कराने की, मगर जब वो साथ रहेंगे तो जल्दी जल्दी काम होते हैं। बहुत सारी मुश्किलें हैं कि एक भाई का साथ हर रोज 24 घंटे साथ रहना, वो आपके साथ नहीं है, 6 महीने उनके बिना बिताना, तो ये मुश्किल की बात है। कसम खा के कह सकता हूँ कि उन ईमानदार आदमी शायद ही कोई हो, मैं उनके साथ रहता हूँ 24 घंटे, मैं जानता हूँ। 1 रुपये का भी कोई ये बात कही थी कि कोई रिकवरी नहीं हुई है, ये कोर्ट ने भी कहा। जब ये बात सुनी आपने तो उस वक्त आपको लगा कि कोर्ट ने सच का साथ दिया और झूठ को नकार दिया? कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। केरल में